सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स 020 डिवाइस के अंदर आप जो है ग्रीन डॉट प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हो। काफ़ी कंफ्यूजिंग लोगों की आ रही है और बोल रहे हैं सर हमारे फ़ोन के अंदर एक ग्रीन डॉट आ रहा है और ये ग्रीन डॉट क्या है, और जब भी हम ऑन कॉल करते हैं किसी पर बात करते हैं किसी से कॉलिंग पर तो वहाँ पर भी आपको ग्रीन डॉट दिखाई देता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग ये है लोगों की कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग भी करता है ये ग्रीन डॉट। सो सारे डाउट क्लियर होंगे, एंड तक वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम ग्रीन डॉट क्रिएट कैसे होता है उसको हम दिखाते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब भी हमारे पास एक ग्रीन डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर एक माइक्रोफोन का साइन आ रहा है जिससे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो है माइक्रोफोन यहाँ पर चल रहा है, मीन्स कि हमारी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है, कैप्चर हो रही है माइक्रोफोन के जरिए। अगर मैं यहाँ पर कैमरे का एक्सेस करूँ, दैट मीन्स अगर मैं कैमरा ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कैमरे को ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रॉल करके कंट्रोल सेंटर के अंदर कैमरा का भी साइन आ जाएगा क्योंकि हमने कैमरे को एक्सेस किया अभी रिसेंटली। तो अभी आप जो चीज़ें एक्सेस करोगे, कैमरा या फिर माइक्रोफोन, तो आपको साइन वहाँ पर दिखाई देगा और ये एक इंडिकेटर लाइट है, इससे कन्फ्यूजिंग क्रिएट नहीं करनी है। जब आप कैमरा ओपन करेंगे तो कैमरे का साइन दिखाएगा, जब आप माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो माइक्रोफोन दिखाएगा आपको। तो ये एक इंडिकेटर है, देखो माइक्रोफोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप किसी से बात कर रहे हो वहाँ पर भी आ सकता है, और जो कैमरा साइन अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर दोनों दिखाई देगा क्योंकि वीडियो कॉल में माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को एक्सेस होता है। अब ये कुछ कन्फ्यूजिंग लोगों की है कि हम इसे बंद करना, देखो गाइस अगर हम बंद करने की बात करें तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वेइंग यूज्ड बाय सिस्टम यूआई का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो परमिशन आप यहाँ से अगर बंद कर देंगे तो नो डाउट यहाँ पर हो सकता है ना आए, लेकिन जो आपका मेन काम है वो रुक जाएगा क्योंकि वॉइस की वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कोई चीज़ हम किसी से बात करते हैं तब भी वॉइस की रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे तब भी हमें वॉइस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे केस में परमिशन को बंद करने के बजाय आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ग्रीन डॉट को। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, इसको तो हम बंद नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सारे फ़ोनों में आने लगा है तो कन्फ्यूजिंग क्रिएट नहीं करना है। अब इसे दिया क्यों गया है इसको हम समझते हैं। देखो गाइज, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कैमरे का एक्सेस करा तब ग्रीन डॉट आ रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पर माइक्रोफोन का एक्सेस कर रहा हूँ तब भी ग्रीन डॉट आ रहा है तब भी ठीक है, अगर यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, मीन्स कि ऐसी कोई एप्लीकेशन एक्टिवेट नहीं है हमारी जो कैमरे और माइक्रोफोन का परमिशन जो है एक्सेस कर रही हो, तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना कि अगर ये ग्रीन डॉट बार बार आ रहा है, हमेशा आ रहा है, तो ऐसी कोई थर्ड पार्टी ऐप्स हो सकती है आपके फ़ोन के अंदर जो आपके विदाउट परमिशंस के आपको एक्सेस कर रही है। अगर कैमरा यूज़ कर रही है तो कैमरा एक्सेस कर रही है, अगर माइक्रोफोन यूज़ कर रही है तो माइक्रोफोन एक्सेस कर रही है, लेकिन आपने पहले चेकआउट कर लेना, बैकग्राउंड वगैरह में सब देख लेना, अगर कहीं से भी कैमरा का या फिर माइक्रोफोन का परमिशन होगा जहाँ से यूज़ कर रहा होगा तो उसको बंद करना, तब अगर आता है तो दिक्कत है आपको। दिक्कत यह है कि आपको करना क्या है, अपने फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन को बंद करना है, फ़ोन को कंप्लीट फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें कोशिश करें प्ले स्टोर की जेन्युइन एप्लीकेशन हो और थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ ना जाएं, ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स ही ऐसी चीज़ें कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे क्या है ग्रीन डॉट, कैसे यूज़ करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है इसके रिकॉर्डिंग नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।